उत्तर प्रदेश में पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्या और उनके पति आलोक मौर्या के बीच छिड़ा घमासान, अब हत्या की साजिश रचने जैसे आरोप तक पहुंच गया। बरेली में तैनात ज्योति मौर्या पर उनके पति आलोक मौर्या ने हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया। कुछ रोज पहले ही आलोक ने पत्नी ज्योति मौर्या पर रिश्वत लेने का भी आरोप मढ़ा था। और अब पंचायती राज विभाग के कर्मचारी आलोक मौर्या ने पत्नी ज्योति मौर्या पर उनकी हत्या करवाने की साजिश रचने का आरोप लगाया। उनका यह भी आरोप है कि एसडीएम ज्योति मौर्या फोन करके उन्हें जांच रुकवाने की धमकी दे रही हैं। कि मेरी पत्नी से मेरी जान लेना चाहती हैं, मुझे सब फोन करके कही है कि ये जांच सब रुकवा दो, नहीं तो तुम्हारी जान चली जाएगी। यही नहीं, आलोक मौर्या ने आरोप लगाया कि पत्नी ज्योति के इशारे पर उनके भाई सचिन मौर्या उनकी जान लेने की फिराक में, जिसकी शिकायत उन्होंने यूपी के प्रयागराज के धूमनगंज थाने में दर्ज कराई। हालांकि पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्या ने इन आरोपों को गलत बता दिया। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि काल दिल्ली के नजदीक यूपी के गाजियाबाद में तैनात होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के खिलाफ चल रही जांच जल्द पूरी हो सकती है। पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्या के पति आलोक मौर्या का आरोप है कि मनीष दुबे की वजह से ही उनकी पत्नी ने उन्हें धोखा दिया। इसके बाद उन्होंने पत्नी ज्योति मौर्या पर मनीष दुबे के साथ मिलकर उनकी हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया, जिसकी शिकायत उन्होंने होमगार्ड मुख्यालय में दर्ज कराई थी। और अब सूत्रों के मुताबिक होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के खिलाफ चल रही जांच जल्द पूरी हो जाएगी। और आलोक मौर्या के मनीष दुबे पर लगाए गए आरोपों की जांच होमगार्ड के डीआईजी संतोष कुमार कर रहे हैं, जिन्हें जांच जल्द पूरा करने के आदेश दिए गए हैं। अपनी शिकायत में आलोक मौर्या ने आरोप लगाया था कि 2020 से उनकी पत्नी ज्योति मौर्या गाजियाबाद में तैनात होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के संपर्क में और दोनों मिलकर उनकी हत्या करवाना चाहते हैं। सबूत के तौर पर उन्होंने ज्योति मौर्या की व्हाट्सएप चैट भी अधिकारियों को दी थी। बाद में आलोक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी न्याय की गुहार लगाई। और इसी बीच एक शादी का कार्ड सामने आया जिसे ज्योति मौर्या और आलोक मौर्या की शादी का बताया गया। इसी कार्ड के आधार पर पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्या ने एक बार फिर अपने पति आलोक पर झूठ बोलकर शादी करने और उन्हें धोखा देने का आरोप लगाया। और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि आलोक के घर वालों ने उनके परिवार वालों को उनके बारे में झूठी जानकारी दी थी, क्योंकि शादी के वक्त आलोक एक मामूली सफाई कर्मचारी थे जबकि उन्होंने खुद को ग्राम पंचायत अधिकारी बताया था। इसी बीच ज्योति मौर्या और आलोक मौर्या की शादी का एक कार्ड भी सामने आया, जिसमें आलोक मौर्या के नाम के नीचे ग्राम पंचायत अधिकारी लिखा नजर आया, जबकि दूसरी तरफ ज्योति मौर्या के नाम के नीचे अध्यापिका लिखा दिखाई दिया। इसी आधार पर ज्योति मौर्या ने एक बार फिर आलोक मौर्या को घेरा और उन पर झूठ बोलकर शादी करने का आरोप मढ़ दिया। हालांकि उनके आरोपों पर आलोक मौर्या की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया। और पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्या और उनके पति आलोक मौर्या के बीच चल रहे झगड़े पर गाना बनाने वाले बिहार के गायक ऋतिक पांडे ने बताया कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। ऋतिक पांडे के मुताबिक पिछले कई दिनों से उनके पास लगातार धमकी भरे फोन आ रहे हैं, क्योंकि जिस दिन से पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्या और आलोक मौर्या का विवाद सुर्खियों में आया, तभी से उनका गाना वायरल हो गया। और अब बिहार के छपरा जिले के रहने वाले सिंगर ऋतिक पांडे का आरोप है कि उन्हें पिछले कई दिनों से धमकी भरे फोन आ रहे हैं। उनका यह भी आरोप है कि वो लोग उन्हें यूट्यूब से एसडीएम ज्योति मौर्या पर गाया गाना हटाने और ऐसा नहीं करने पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। फोन आ रहा है और हमको धमकियां दी जा रही है कि गाने जो है यूट्यूब से जल्दी हटाइए, नहीं तो आपको हम गोली मरवा देंगे। ऋतिक पांडे के मुताबिक करीब 3 साल पहले उनकी मुलाकात आलोक मौर्या से हुई थी। उस दौरान आलोक ने उन्हें रोते हुए अपनी पूरी कहानी बताई थी। इसके बाद उन्होंने ज्योति मौर्या पर न सिर्फ गाना लिखा बल्कि उस गाने को अपनी आवाज भी दी।